आज दशा माता व्रत त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही दशा माता पूजन की शुरुआत महिलाओं द्वारा की गई। नगर में जगह जगह पीपल के वृक्ष पर महिलाओं द्वारा दशा माता की पूजा अर्चना कर घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके गले में एक खास धागा पहनती हैं, ताकि परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य धन वर्षा बनी रहे। ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करके सभी तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। महिलाएं इस दिन कच्चे सूत का डोरा जिसमें 10 कथाने लगाते हैं, इस डोरी की पूजन करने के बाद कथा सुनते हैं और डोरे को गले में बांधती हैं। दशा माता व्रत के दिन महिलाएं एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती हैं, भोजन में नमक का सेवन नहीं करते हैं। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज दशा माता का त्यौहार का क्या महत्व है जरा बताइए आप। नारायण जी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए घर में अच्छा रहे, लक्ष्मी का वास रहता है। दशा माता का व्रत पूरे साल अपने घर की दशा अच्छी रहे, सब स्वस्थ रहे, इसके लिए व्रत किया जाता है। घर की दशा के लिए व्रत किया जाता है दशा माता।